जिस किसान मोर्चे वालों अज एक बार फिर तो मोहाली के पक्का प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। जिस तरह लखीमपुर खेर की गल की जाए, लखीमपुर खेर जो हत्या हुई थी उस तो बाद किसानों वालों लगातार कई मुद्दे नु लेके अज फिर तो मोहाली खड़े हैं, जिथे इन्होंने मोर्चे जो है शुरू कर दिया है। गलबात करने इतने किसान जथेबंदियां मौजूद है, उन्होंने गलबात करेंगे। तरलोचन जी, अज किसान जथेबंदी वालों एक बार फिर तो उसे मोर्चा लाया गया, किहड़ा मुद्दे तो पहला मुद्दे गल के किहड़े मुद्दे ने? साढ़े छे मुद्दे है जी। सब तो पहला लखीमपुर केस का अजय मिश्र नू बर्खास्त करने संबंध विच, दूजा जिहड़े किसानां दे परचे जिहड़े दिल्ली विच मोर्चा लग्गिया उहदे टाइम दे किते उसदा दर्ज रद्द नहीं उह दर्ज करने दे बारे विच है, तीजा एमएसपी दी गरंटी, तीजा बिजली सोध बिल दे बारे विच है, चौथा बंदी सिंह रिहाई ते अग्निपथ सिंह। बंदी सिंह रिहाई की गलबात की जाए तो लंबे समय तो चाहे आप जी पार्टी उन्होंने गलबात करिए, श्रोमणी अकाली दल होगी, अकाली दल अमृतसर होगी, यह बंदी सिंह रिहाई की लगातार मुद्दा चक रही है, तो अच्छ किसानों वालों यह मुद्दा चुकया गया है, किस तरह दे रहे इस मुद्दे को? पहला जोड़ा अकाली दल कह रहे जी बंदी सिंह रहेगा, उसने तो लीकेज तो बंदी सिंह रह नहीं होने चाहिए, अकाली दल तो पहले कहते बंदी बादल अज लीकेज दे देंगे, काफी बाद बंदी सिंह अज रही हो जाएंगे, वो लीकेज दिता उन्हें तो लीकेज दिता है, बंदी सिंह रह नहीं होने चाहिए। जे एक राजीव गांधी के कतल जरा सजा पूरी हो चुकी है, उन्होंने रिहाई करते बंदी सिंह क्यों नहीं रिहाई करते, जबकि अपनी सजा होने तो दुगनी सजा कर चुके हैं। लखीमपुर खैरी की गल की जाए तो जिस तरह लखीमपुर खैरी भी होया किसानों के नाल उसके उत्ते लैके किसान जथेबंद जी लखीमपुर खैरी बैठे ने 72 घंटे का अल्टीमेटम दिता गया, तो उरे भी शुरू कर दिता गया इस चीज को लेकर। जोड़ा लखीमपुर के सब तो ज्यादा व्डा सहयोग ग्राहक ग्रुप का जी, असी तो एक झंडे थले कच्चे होने, अभी कहते सब एक झंडे थले उठो जाना चाहिए। तो जो लखीमपुर के अजय मिश्रा टैनी है वो यूपी का होम मिनिस्टर है, जो तक वह बर्खास्त नहीं होंगे उन्होंने गद्दी तो नहीं लाया जाता। उत्थे लखीमपुरी केस के किसान शहीद होए थे, एक पत्रकार भी शहीद होया, उन्होंने साहब नहीं मिलना उदों तक, तो अजय मिश्रा पुत्र जमानत भी देती थी। यह तो मान जो सुप्रीम कोर्ट का असीं धन्नवाद करदे जिन्हां नूं दोबारा जेल दे विच भेज दिता। पानी दे मुद्दे की गल की जाती है, बिजली के मुद्दे की गल की जा रही है, किस तरह दे रहे, क्योंकि इस तो पहला भी किसानों ने YPS चौंक दी धरना लाया सीगा, मुद्दे चक रहे ने, थोड़ा नहीं लगता भी जिहड़े किसान ने वह थोड़े हुण टुटदे नजर दिखाई दे रहे ने? नहीं जी, साडे वल्लों असीं किसान दे हिस्सा तां देख लो किन्नियां जथेबंदियां आईआं आ उरे दी, साडी दा जे इक नवें जथेबंदी जो जन्मी है उहदे विच चार जथेबंदियां साडियां शामिल हो गईआं है, ते साडे जे एका तां ही कट्टियां होईआं। सर जिस आप गलबात करते जिस तरह दिल्ली के धरना लाया गया सीगा पक्के तौर से किसानों वालों एकजुट हो गए धरना लाया सीगा, थोनू नहीं लगता भी किसान जो ने फिलहाल थोड़े जे वखरे हुए हुए ने कितना कितने, क्योंकि चाहे आप उग्राहां दी गल ग्रुप की गल की जाए, चाहे बलवीर सिंह राजी वाले अड्ड अड्ड थोड़े चल रहे ने, लगता नहीं एक मोर्चे इकट्ठा होना चाहिए किसानों को? देखो भाई जी, ये गल तो नहीं हैगी, असीं बाहरों मुद्दों के होरों के अलग हो सकते हैं, जदों असीं किसानी का मुद्दा आंदा ना, कोई लड़ाई लड़नी, अंदोलन लड़ना, फिर असीं इकट्ठे हाँ सारे, चाहे उग्राहां साहब होण, राजेवाल साहब होण, डल्लेवाल साहब होण, कोई होर भी जथेबंदी है, जदों असीं किसानी का मुद्दा कोई आंदा अंदोलन करना, फिर असीं सारे इकट्ठे ने, कोई वखरा नहीं हैगा। एक जो लखीमपुर खैर की गल की जाए, अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की गल की जा कि वो मुंडे वालों कल किया गया था, किसानों उत्ते गड्डी चलाई गई थी, किस तरह, क्योंकि काफ़ी लंबा समा हो चुका है, किसानों ने यह भी गल कही थी, सरकार ने भी माफी मंगी थी भी गड्डी बड़ी गलती हुई है, किस तरह दे, क्योंकि लंबा समा बीत रहा है, टाइम लगातार बीता जा रहा है, तो हाल तक कोई इंसाफ नहीं मिल रहा? इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा जी? ये जो मोदी है ना, अमित शाह आदि शह से पल रहा हो अजय मिश्रा, जे उन्हां दी शह नहीं होवे, तुसी जिवें हुण ग्राहां साहब ने कल कहा बड़क मारी है यूपी तों जाके भी तूं पंजाब आ जा, तूं इत्थे आ के साडे जिमीदारां नूं लताड़ के दिखा गड्डियां दे, फिर तैनूं दसदे आं भी पंजाबी हुंदे की ने, उह उहनां दी शह आ, राजां दी शह आ उहनां नूं, चलो कोई नहीं, जे कोई वड्डा अंदोलन दुबारा ही करना पिया ना कोई उहदे मुताबिक, उह भी असीं करूंगे, ग्राहां वास्ते भी तैयारी है साडी। जिहड़े केंद्र दे किसान मंत्री है उहनां गलबात हुई है, बैठक वगैरह कीती गई है किसानां वल्लों? देखो बैठक उन्होंने होंगी है, वो पर गल के खरे नहीं उतरते, पहला भी जदों काले कानून तीन बनाए थे रोज बैठक होंगी थी,
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਨੀ ਕਰੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਤੀ ਚ ਕਰਨ ਚ ਤੇ ਨੀਤੀ ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ 72 ਘੰਟੇ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇਰੀ ਚ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਵੀ ਜੇ 72 ਘੰਟੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਲਈ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਆ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇਰੀ, ਉਹ 75 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਜੀ, ਨਾ ਕਿ 72 ਦਾ। ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਹ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਟੁੱਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਅੱਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵੀ ਅੱਡ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਡ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੈਰੀ ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਧਰਨਾ 72 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਇਹ ਬੈਠਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜੇ 72 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂਗੀ, ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮੈਨੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ।